ब्यूटीफुल बना रखा है। अच्छा है, मैंने मतलब इससे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ, बट आज फॉरेन वगैरह जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने के लिए, बट अभी भी इंडिया में भी इतनी सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो देखा होगा मैं नॉर्थ ईस्ट से निकल चुका था और अब मैं आ चुका हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। और आज अभी मैं हूँ ये इको गार्डन के नाम से जाना जाता है और मेन इसका नाम है श्री माननीय काशीराम जी के उस पता है। और बहुत ही अच्छा गार्डन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, अच्छा भी लगता है। और ये इस साइड जो है ये आपकी इसमें प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत बड़ा है यार उधर गार्डन टाइप का ये प्लांट्स, मतलब कि अगर आप इसे गर्मी में कभी आते हैं, आपको गर्मी लगती है तो आप अंदर जा कर के आराम से बैठ सकते हैं और अच्छा है, ठंडा भी है। बट यहाँ एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है आप इसे गर्मी में आफ्टरनून में तो कभी आने वाला है ही नहीं, आप मॉर्निंग में आइए या फिर इवनिंग के टाइम आइए, क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है तो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है धूप की वजह से। और क्योंकि धूप में होगी तो यार खुला ही रहता है परमानेंट, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी आप ऐसे टहल सकते हैं, अच्छा है, धूप वूप लगती, गर्मी लगती है तो आप अंदर इसमें जा कर के लेट सकते हैं, अच्छा बैठ भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस टाइम तो इसमें पानी वानी नहीं है, बट ज़्यादातर इसमें रहता है, पता नहीं इस टाइम क्यों नहीं है पानी, तो ये फवारे टाइप का है। और यहाँ पर मतलब कि ये बनवाया था काफ़ी टाइम पहले, जब यहाँ पे जो XCM थी माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी, उन्होंने इसको बनवाया था और उन्हीं ने बनवाया था अपने। और यहाँ पर एनिमल्स के जो स्टैचूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब जितने ज़्यादा जगह नहीं होगी और चीज़ नहीं होगी उससे ज़्यादा तो स्टैचूज़ हैं। दिखाता हूँ अभी आगे चल करके, थोड़ा सा आगे है और यहाँ पर पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ में, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ, शर्म आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगी। कई 2-3-4 दिन बाद भी कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा और लग रहा है। और अभी तो यहीं पर आया हूँ, और भी जगह चलेंगे बट आज तो यहीं से स्टार्ट होगा और अभी अंदर भी इसके लिए चलूँगा। ये देखिए से यहाँ पर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रखा है यार, अच्छा है। मैंने मतलब इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ, बट आज जब मैं अच्छे से आया हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब कि अच्छी आर्ट है यार, मतलब जिसने भी बनाया है बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत करी है। ये देखिए मतलब ये ट्री वगैरह भी मतलब आर्टिफिशियल बना रखे है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और वो अपना ये बैम्बू टाइप में है, ये भी मतलब आर्टिफिशियल, टोटली आर्टिफिशियल है सब कुछ, है सब स्टैचू बना हुआ है, पत्थर का यूज़ किया गया पूरा। ये देखिए ये बैठा हुआ है एलिफेंट, ब्यूटीफुल लग रहा है इसकी। तो अभी चलता हूँ आगे की तरफ और खाता हूँ आप लोग को पूरा व्यू। लोग फॉरेन वगैरह जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने के लिए, बट अभी भी इंडिया में भी इतनी सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छा है मतलब व्यू है, बट लोग इंडिया के बाहर जाना पसंद करते हैं। अच्छा अभी इंडिया के बाहर भी अच्छा है, बट अभी इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं। हम लोग इंडिया के बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर के लोग यहाँ आकर के अपना इंडिया देखना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है भाई।
और वैसे अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही बड़ा है बट थोड़ी सी धूप भी है तो गर्मी भी लग रही है। और अभी आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं कुछ ऐसी कुछ सरप्राइज़ है वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ही जब वो हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट, अभी नहीं बताऊंगा, उसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तब तक कि आप इस वीडियो में इको गार्डन के व्यू के मज़े लीजिए और देखते रहिए। पर इस मार्बल, जिस मार्बल का यूज़ किया गया है, मतलब इस मार्बल में अभी भी इतनी शाइन है, ये होगी कम से कम 10 से ज़्यादा साल हो गए होंगे इसको बने हुए, और ये मार्बल अभी भी इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये देखिए, आप खुद ही देखिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है दूर से, ये देखिए हैं, बहुत ही शाइन कर रहा है ये मार्बल। और ये अपना यहाँ से भी एंट्री गेट है, और उधर जा कर के थोड़ा सा दूर जा कर के भी एंट्री गेट पड़ता है, आप जिधर से आना चाहें उधर से आ सकते हैं। और अभी तो मैं एंटर करूंगा जो अंदर प्लांट्स वगैरह नर्सरी टाइप का है उसके अंदर एंटर करूंगा और वहीं पर जा कर के आपको दिखाऊंगा। चलिए चलता हूँ अभी इधर। तो गाइज़ अब मैं इसमें एंटर कर चुका हूँ, बट इस वाले में जिसमें मैंने एंटर किया इसमें इतने पेड़ नहीं हैं, प्लांट्स नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। हाँ, बट पर इस पर जो पत्थर छोटे छोटे लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, अच्छे हैं। और शायद इसमें प्लांट्स ये टूट गए हैं या कुछ हो गया है, पता नहीं। बाकी पीछे साइड तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ये देखिए यहाँ पर, मतलब इसमें भी नहीं, इसमें थोड़े थोड़े से हैं। और इन सब में देखिए ये सब निकल, मतलब कि टूट गए जैसे लग रहा कि। और उस साइड जो है वो वाला उधर दिख रहा होगा उसमें है, उसमें भी मैं एंटर करूँगा। ताकि पहले मैंने गलती से इसमें कर लिया, आगे भी है उसमें चलता हूँ अभी। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है यार, क्योंकि समय लग, मुझे लगता है इसमें पानी थोड़ा सा कम दिया गया है, नहीं दे पा रहे हैं लोग, इस वजह से ये सूख गया है पेड़ जो है इसकी, प्लांट्स के जो लीव्स हैं पत्तियाँ वो गिर गई हैं या कोई और वजह भी हो सकती है, मुझे तो यही लग रहा है। चलिए आगे आप। फिलहाल अभी हैं जो पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, ग्रीन हैं, बट उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था यार, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम भी हो रहा है यहाँ पे शूट करने का, ये क्या कर सकते हैं यार। अच्छा है वैसे, और दूसरी जगह जहाँ पर जो फ्लावर्स वगैरह हैं उसमें भी चलूँगा अभी तो इसमें ही, बाकी और भी गार्डन टाइप में है, हर तरफ तो कपल बैठे हैं यार। अंदर ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगे हुए हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल वो ग्रीन ग्रीन टाइप में प्लांट्स हैं, बट फ्लावर नहीं है। फ्लावर जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं, जो ये बना हुआ है नर्सरी टाइप का, इसके ऊपर वॉल जो इसकी छत है थे वहाँ पे, सॉरी गलती हो गई, वहाँ पर जो है लगे हुए हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं बट अंदर नहीं लगे हुए यार, आगे भी है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो ग्रीन कलर ऑरेंज कलर के हैं, बाकी ये रेड हैं ऊपर पर, इधर घास है और ये इधर गार्डन टाइप का है इस तरफ उधर। अगर इस फिर से मैं एक बार सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप कभी भी आते हैं इको गार्डन तो आप इवनिंग में ही आइए, आफ्टरनून में कभी मत आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और पसीने पसीना, मतलब स्वेट ही निकलेगा आपको और प्रॉब्लम होगी, गर्मी भी लगेगी यार। हाँ, विंटर्स में आप कभी भी आ सकते हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, मॉर्निंग भी आ सकते हैं, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी मन हो, बट समर में आप कभी भी आइए तो इवनिंग में ही आइए, उससे पहले मत आइए, वरना ऐसे ही मेरी तरह हाल होगा आपका भी। सर यहाँ पे मैंने टहला बट यही सब है जो है, तो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से, आ रहे हैं तो धूप भी लग रही है और ऊपर से गर्मी भी है, बट जिस हिसाब से है
ब्यूटीफुल है आपके लिए, इवनिंग के लिए। मैंने जैसे बोला कि इवनिंग के लिए आपके लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है ये, बाकी अच्छी जगह है। ये देखिए अभी तो इसमें पानी नहीं है, पानी होता ना तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और आपको ये एंट्री गेट है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। और इस तरफ वहाँ पर टिकट मिलता है पीछे की साइड, टिकट लेकर के अपना आराम से आइए। नॉर्मल 15 रुपीज़ का टिकट है,